नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Apple iPhone 13 वर्सेस Huawei P40 Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो iPhone 13 में 5.78 इंच जबकि Huawei P40 Pro में 6.23 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो iPhone 13 में 2.81 इंच जबकि Huawei P40 Pro में 2.86 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो iPhone 13 में 0.3 इंच जबकि Huawei P40 Pro में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि iPhone 13 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो iPhone 13 में 173 ग्राम जबकि Huawei P40 Pro में 209 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि iPhone 13 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही OLED की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो iPhone 13 में 6.1 इंचेस जबकि Huawei P40 Pro में 6.58 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन iPhone 13 में 1170x2532 और Huawei P40 Pro में 1200x2640 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो iPhone 13 में 86.89% जबकि Huawei P40 Pro में 91.01% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो iPhone 13 में 457 पिक्सल प्रति इंच जबकि Huawei P40 Pro में 441 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो iPhone 13 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और Huawei P40 Pro की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो iPhone 13 में 14 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Huawei P40 Pro की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो iPhone 13 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 8 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Huawei P40 Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो iPhone 13 में Apple GPU 4 Core Graphics जबकि Huawei P40 Pro में Mali G76MP16 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो iPhone 13 में Apple Bionic और Huawei P40 Pro में ही Silicon Kirin 995G मिलता है। बात करें RAM की तो iPhone 13 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB, 6GB, 6GB की RAM मिलती है, जबकि Huawei P40 Pro में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो iPhone 13 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 256GB, 512GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Huawei P40 Pro में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो iPhone 13 में नहीं है, जबकि Huawei P40 Pro में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो iPhone 13 में iOS V15 जबकि Huawei P40 Pro में Android V10 की देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 5 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो iPhone 13 में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जिसमें कि 6 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 79,900 रुपीस, 6 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 89,900 रुपीस, 6 गीगाबाइट रैम 512 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 109,900 रुपीस में मिलता है। और बात करें हवाई P40 Pro की, तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 68,450 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो दोनों फोन में 5 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की, तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में हवाई P40 Pro आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Mi 11X Pro है जो कि 41,999 रुपए में मिलता है। दूसरा Apple iPhone 12 Pro Max है जो कि 124,700 रुपए में मिलता है। तीसरा Apple iPhone 12 Pro है जो कि 115,100 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy Z Flip 3 है जो कि 88,999 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।